Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about genetically modified crops. And this topic is important from our syllabus, paper 4, Indian economy point of view, especially from subtopic agricultural issues. So, सबसे पहले समझते हैं कि ये genetically modified crops या short में कहे तो GM crops होते क्या हैं. So these crops are artificially inserted with some bacterias in order to develop a hybrid desired variety. सरल शब्दों में समझिए, देखिए ये normal cotton का crop है. इस नॉर्मल कॉटन के सीड के साथ अगर हम एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया को मिक्स कर दें, हाइब्रिडाइज कर दें, उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्सिलस थरनजेनेसिस, शॉर्ट में कहे तो बीटी. तो इस बैक्टीरिया को अगर इस कॉटन सीड के साथ हाइब्रिडाइज कर दिया जाए तो जो नया तरह का कॉटन सीड बनता है उसको हम लोग कहेंगे बीटी कॉटन सीड. और ये जो बीटी कॉटन सीड होगा उससे जो कॉटन निकल के आएगा उसकी क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर होगी. तो इस तरीके से ये जो बीटी कॉटन है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप. इसकी जीन्स को ही हमने मॉडिफाई कर दिया बाई एडिंग सम बैक्टीरिया. इसका एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया, बीटी कॉटन, व्हेन द कॉटन सीड्स हैव बीन हाइब्रिडाइज्ड विद सम बैक्सिलस थरनजेनेसिस बैक्टीरिया. इस बीटी कॉटन के सीड को डेवलप किया है यूएस की एक कंपनी बेयर मोनसेंटो ने. और बीटी कॉटन बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि ये नॉर्मल कॉटन पे एक तरह का पेस्ट अटैक होता है जिस पेस्ट का नाम है पिंक बॉल वॉर्म अटैक. लेकिन बीटी कॉटन पे फिर ये पिंक बॉल वॉर्म अटैक नहीं होता है. तो ये फ़ायदा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के इन जनरल बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं बीटी कॉटन के केस में कि पेस्ट अटैक से बच जाता है ये. लॉन्ग सेल्फ लाइफ, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अगर आपने उनको इस तरीके से डेवलप किया है तो उनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, 3 दिन 4 दिन तक वो सड़ेंगे नहीं. उसके अलावा दे रिक्वायर लेस रिसोर्सेज, लाइक दे रिक्वायर लेस वाटर और लेस पेस्टिसाइड्स और इवन लेस फर्टिलाइजर्स. लेकिन बीटी क्रॉप्स के अपने कुछ चैलेंजेज भी हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कुछ चैलेंजेज हैं. और उसमें सबसे मेजर चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी. ऐसा माना जाता है कि अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे बस वही तरह के क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही सर्वाइव करेंगे लॉन्ग रन में, जो बाकी नॉर्मल क्रॉप्स हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे. इसके पीछे का कारण भी समझिए. देखिए अगर हमने बीटी कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा उगाना शुरू कर दिया तो ये पिंक बॉल वर्म तो इसके ऊपर अटैक कर नहीं पाएगा. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पिंक बॉल वर्म भी, ये जो पेस्ट है, ये अपने आप को इवॉल्व करेगा. ये नेचुरल प्रोसेस है. आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेज. अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए, अभी सुन के लग गया कि 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. हम में से कुछ लोग अपने आप को इस तरह से अडाप्ट करेंगे और वो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेंगे. ऑफकोर्स कुछ लोग मर जाएंगे लेकिन कुछ लोग सर्वाइव भी करेंगे और अडाप्ट कर लेंगे. वैसे ही अगर हर जगह बीटी कॉटन उगाना शुरू कर दिया हमने तो फिर होगा क्या कि ये जो इनके ऊपर पेस्ट अटैक करते हैं धीरे धीरे वो पेस्ट अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, इवॉल्व कर लेंगे. और इनके भी ऊपर अटैक होगा इन फ्यूचर, 20 साल 30 साल बाद इनके ऊपर भी अटैक होगा, फिर इससे और बेहतर क्वालिटी के क्रॉप्स हमें बनाने होंगे. लेकिन उस केस में होगा क्या कि ये जो पेस्ट होंगे ये इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुके होंगे, इतना ज़्यादा अडैप्ट हो चुके होंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे कि नॉर्मल क्रॉप को तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो इस केस में फिर बस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही टिक पाएगा, जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे. और इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ में डाइवर्सिटी, विविधता ख़त्म हो जाएगी. बस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही बचेंगे, नॉर्मल क्रॉप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द पेस्ट. उसके अलावा ये भी माना जाता है, कई सारे साइंटिस्ट का ऐसा ही मानना है कि जो बीटी क्रॉप्स हैं, खासकर खाने पीने वाले बीटी क्रॉप्स, यानी कि खाने पीने वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उनका लॉन्ग रन में ह्यूमन हेल्थ पे भी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे सेहत पे भी इनका ख़राब असर पड़ सकता है. और
यही कारण है कि हमारे देश के अंदर बस बीटी कॉटन को इजाज़त दी गई है, मतलब बस कॉटन की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को उगाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बाकी सारे जो खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जैसे कि बीटी ब्रिंजल या जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, इनको इजाज़त नहीं दी गई है उगाने की, क्योंकि माना जाता है कि इनका हमारे हेल्थ पर भी लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है। और अभी भी इनका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर स्टडी किया जा रहा है, और इसी कारण से इनको अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है कॉमर्शियल स्केल पे उगाने का। इनकी रिसर्च की जा चुकी है, बीटी ब्रिंजल मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल क्रॉप, तो इस तरीके का ब्रिंजल क्रॉप होगा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, लॉन्गर सेल्फ लाइफ होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, कम रिसोर्सेज लगेंगे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, लेकिन फिर भी इसको हम उगा नहीं रहे। वैसे ही जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का भी हम सीड बना चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इसको उगा नहीं रहे। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड सीड है उसका टेक्निकल नाम है DMH1, और हमारे देश की एजेंसी है जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इस एजेंसी को काम दिया गया है किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूवल देने का। और ये एजेंसी अभी तक इसने तो बीटी ब्रिंजल या GM क्रॉप या इवन HT BT कॉटन, ये हायर वैरायटी का कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, इसमें BT तो है ही, साथ ही साथ HT नाम का अलग बैक्टीरिया भी है, इन सब तरह के अलग अलग जो ऑप्शंस अभी अवेलेबल है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, इनको इजाजत नहीं मिली है। अभी तक बस बीटी कॉटन ही उगाया जाता है एज ऑन कॉमर्शियल स्केल एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और यही कारण है कि कई सालों से हमारे पास बीटी ब्रिंजल के सीड्स अवेलेबल हैं, और ये बीटी ब्रिंजल माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा उगेगा। GM मस्टर्ड के क्रॉप्स अवेलेबल हैं, माना जाता है कि ज़्यादा उगेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, पेस्टिसाइड कम लगेगा, फिर भी सरकार इजाज़त नहीं दे रही है। और इस कारण से कई सारे गाँवों में, खासकर महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के कई सारे गाँव में ऐसी खबर निकल के आ रही है कि वहाँ के किसान जो हैं इलीगल रूप से, इलीगल तौर से इन बीटी ब्रिंजल या जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के सीड्स को खरीद रहे हैं और उगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार इजाज़त नहीं देगी तो भी हम ज़बरदस्ती उगाएंगे। दिस इज़ ए काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ये इसको, इस बीटी क्रॉप्स को उगाने को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से कंपेयर करते हैं। अब देखिए ये करंट आर्टिकल में क्या लिखा गया, करंट आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, जो मॉडर्न या डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा डेवलप्ड है, उन्होंने तो अब बीटी क्रॉप्स के अंदर भी हायर एंड के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उस हाई एंड टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर CAS9 टेक्नोलॉजी। देखो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनिज्म के DNA को मॉडिफाई किया जा सकता है, समझो। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप DNA को बदल सकते हैं। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है CAS9 प्रोटीन, उस CAS9 प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है DNA स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए और चेंज करने के लिए। और अब बहुत सारे दुनिया के डेवलप्ड कंट्री जैसे US वगैरह में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ दिस क्रिस्पर CAS9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर तो टेक्नोलॉजी का नाम है और CAS9 उस सीजर का, या फिर आप समझ लीजिए उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम है जिसकी मदद से DNA के स्ट्रैंड्स को काटे जाते हैं और मॉडिफाई किए जाते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया को भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी क्रिस्पर 9 टेक्नोलॉजी इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्रिस्पर CAS9 टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, क्योंकि इस साल यानी कि 2020 की अगर बात करें तो इसी बेसिस पे, इसी टेक्नोलॉजी की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया था टू इमैनुअल कारपेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर डॉडन ऑफ US। अब ये नाम अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये क्रिस्पर CAS9 टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल 2020 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इसी काम के लिए या इसी डिस्कवरी के लिए दिया गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी के लिए दिया गया था। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिस्कवरी की टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी 2012 में ही कर दिया गया था, और इस कारण से 2020 में इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट पाकिस्तान टू सेंड बैक फ्रेंच एम्बेसडर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस Paper 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए फ्रांस के अंदर एक टीचर थे,
इनका नाम था सैमुअल पैटी। इन्होंने हिस्ट्री पढ़ाते वक्त प्रॉफेट मोहम्मद का कैरिकेचर दिखाया, मतलब समझिए तो स्केच पेंटिंग दिखाया, कार्टून टाइप का स्केच पेंटिंग दिखाया, और उससे फ्रांस में रहने वाले कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा डिसइंचेंटेड हो गए। उनको लगा कि ये ब्लैस्फेमी है, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया गया है। और उसमें से एक रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने सैमुअल पैटी पे अटैक कर दिया, उनका गला काट दिया गया, ही वॉज बी हेडेड। और ये इंसिडेंट के बाद एक बार के लिए पूरे दुनिया भर में रेडिकल इस्लामिज्म का थ्रेट वापस से फील किया गया, रियलाइज़ किया गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। और उसी दौरान उस टाइम में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कमेंट कर दिया कि जो इस्लाम रिलीजन है वो खतरे में है, इट इज़ इन क्राइसिस, और ये जो इस्लाम रिलीजन है इट इज़ लीडिंग पीपल टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन एंड इनटॉलरेंस, और इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया कि इस्लाम धर्म जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, रेडिकलाइज हो रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया इमैनुअल मैक्रोन ने दैट इस्लाम इज़ इन क्राइसिस, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और फिर हुआ क्या कि पाकिस्तान में इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ नारे लगने लगे, प्रोटेस्ट होने लगा, और इनको ब्लास्फेमस कहने लगा, कहा जाने लगा कि इन्होंने इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया है, उसकी तौहीन की है। और ये प्रोटेस्ट चलता रहा चलता रहा। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है तहरीके लबैक। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर एक रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट भी है जो लोगों को उकसाता है रेडिकल मुद्दों के लिए, कम्युनल मुद्दों के लिए, हार्ड कोर इस्लामिज़म को स्प्रेड करता है, रेडिकल इस्लामिज़म को प्रमोट करता है। साथ ही साथ ये तहरीके लबैक एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह भी काम करता रहा है। और इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा इस तहरीके लबैक ने ही आगे चलाया, और यह प्रोटेस्ट धीरे 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 बढ़ता गया। अभी तक यह खत्म नहीं हुआ, 6 महीने हो गए और यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे और भी ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है। और हाल फिलहाल में वायलेंस इतना बढ़ गया कि पुलिस और इन तहरीके लबैक के जो लोग थे उनके बीच में मुठभेड़ हुई, 300 से भी ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। 11 पुलिस वालों को इन तहरीके लबैक के जो टेररिस्ट्स हैं या आप समझ लीजिए कैडर्स हैं, उन्होंने हॉस्टेज बना के रख लिया, बंदी बना के रख लिया है। अब इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, तहरीके लबैक को पॉलिटिकल पार्टी की तरह बैन कर दिया गया है। तो नाउ तहरीके लबैक इज़ नो लॉन्गर ए पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया बाकी अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा कि एक तो तहरीके लबैक अच्छा काम कर रही है, इस्लाम को नीचे दिखाया गया, उसके लिए तहरीके लबैक ने इतना बढ़िया प्रोटेस्ट या मूवमेंट चलाया और आप तहरीके लबैक को ही बैन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सरकार बैकफुट पे आ गई, थोड़ा प्रेशर में आ गई। और इस प्रेशर में आकर के फिर अपोजिशन प्रेशर में आकर के इमरान खान ने एक रिजोल्यूशन रख दिया पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में। उस रिजोल्यूशन में प्रपोज किया गया है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के इस ब्लास्फेमस कमेंट के बदले हम फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से वापस फ्रांस भेज देंगे। मतलब ये रिजोल्यूशन रखा गया है, अभी तक ये पास नहीं हुआ है, ये फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन अब ये बात चल रही है कि चूंकि इस्लाम की तौहीन की गई है बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो अब फ्रेंच एम्बेसडर को हम लोग वापस से पाकिस्तान से बाहर भेज देंगे, बैक टू फ्रांस। देखिए, किसी भी देश के एम्बेसडर को वापस भेजने का मतलब है कि आप उस देश के साथ अब कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना नहीं चाहते। तो अगर इस तरह का रिजोल्यूशन भी रखा गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाले टाइम में फ्रांस और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। ये डेवलपमेंट, ये रिजोल्यूशन रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर सच में फ्रेंच एम्बेसडर को बाहर भेज दिया गया तब तो रिलेशंस पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए, ये तो सारी के सारे डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और फ्रांस में हुए हैं, इंडिया का तो इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं। तो ज़रा देखते हैं कि इससे हम अपने आंसर राइटिंग में इस तमाम डेवलपमेंट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इंडिया फ्रांस रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं कहीं एक लाइन इस क्वेश्चन के अंदर कि द रिसेंट हॉस्टिलिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड फ्रांस विल स्ट्रेंथन इंडिया फ्रांस रिलेशन। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही हमारा दुश्मन पाकिस्तान, फ्रांस का दुश्मन हो जाएगा पाकिस्तान, तो इंडिया फ्रांस के रिलेशंस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा कभी अगर आप पाकिस्तान के अंदर लिख रहे हो कि वहाँ की सिविल सोसाइटीज, लोकल ग्रुप्स कितने रेडिकल हैं, तो अगेन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इस प्रेजेंट मूवमेंट का या प्रोटेस्ट का कि इंसिडेंट हुए फ्रांस में। दुनिया में कई सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखिए
इवन सऊदी अरबिया और ईरान से भी ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान को हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं ये इस्लाम के फेवर में लोग नहीं हैं, ये बताता है कि वहाँ के लोग कितने रेडिकल हैं, मतलब उनको कॉमनलाइज करना कितना आसान है। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इतना ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को भड़काना, रेडिकलाइज कराना बहुत आसान है, और आराम से फिर उनकी ब्रेन वॉश करके, उनको मोटिवेट करके इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भेज दिया जाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, और इस कारण से इंडिया के अंदर हमेशा ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहता है ऑफ टेररिस्ट अटैक। ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस की बात चली है तो जो कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बीच में, व्हाई फ्रांस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो देखिए, फ्रांस पहला ऐसा P5 कंट्री है जिसने इंडिया की जो डिमांड थी परमानेंट सीट की इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसको सपोर्ट किया। उसके अलावा फ्रांस ने इंडिया की मेंबरशिप इन NSG, MTCR, हर जगह इन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में सपोर्ट किया। NSG में तो हमें मेंबरशिप मिल नहीं पाई 2016 में बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना ने होल्ड लगा दिया था, लेकिन MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम में हमें मेंबरशिप मिल गई बिकॉज ऑफ सपोर्ट गिवन बाई फ्रांस इन 2016। उसके अलावा फ्रांस और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुई थी 1998 में, हमारा सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन हुआ था 2008 में, फ्रांस और इंडिया की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का नाम है वरुणा दैट स्टार्टेड इन 1983। उसके अलावा अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, फ्रांस इज सप्लाइंग इंडिया स्कॉर्पिन कन्वेंशनल सबमरीन। उसके अलावा हम हाल फिलहाल में 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीद के लाए हैं या प्रोक्योर करके लाए हैं फ्रांस से। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बीच में, कभी भी इंडिया फ्रांस रिलेशंस पर सवाल आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट नेशनल सिविल सर्विसेज डे एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस Paper 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सिविल सर्विसेज डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। हर साल 21 अप्रैल यानी कि आज के दिन सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इस दिन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन, आज ही के दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने यंग IAS प्रोबेशनर्स को एक स्पीच दिया था या उनसे बातचीत की थी एट मेटकाफ हाउस इन दिल्ली। तो इस दिन उन्होंने उनसे बातें की जो यंग प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर्स थे, और उनको उस बातों के दौरान, उस एड्रेस के दौरान उन्होंने कहा कि यू पीपल और यू सिविल सर्वेंट्स आर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और उस कारण से ये दिन इंपॉर्टेंट हो गया 21 अप्रैल, क्योंकि उस टाइम के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन पहली बार एड्रेस किया था हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स को। तो ये दिन इस कारण से इंपॉर्टेंट था 21 अप्रैल, लेकिन इसको उसी टाइम से, आज़ादी के बाद से ही सिविल सर्विसेज डे की तरह नहीं मनाया जाता रहा है। 2006 में फैसला लिया गया कि हम इस दिन को सिविल सर्विसेज डे की तरह मनाएंगे, और तब से इसको सिविल सर्विसेज डे की तरह मनाया जाता है इन विज्ञान भवन। और इस दिन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन टू सिविल सर्वेंट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट P Notes और पार्टिसिपेटरी नोट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस Paper 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, न्यूज़ तो काफ़ी सिंपल है कि P Notes की ओवरऑल वैल्यू हमारे देश में घट गई है बाई 2000 करोड़ इन द मंथ ऑफ मार्च। फरवरी महीने में लगभग 91,000 करोड़ थे, मार्च महीने में घट के 89,000 करोड़ हो गए हैं। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, यह घटता बढ़ता रहता है। हम इस आर्टिकल की मदद से देखेंगे कि ये P Notes होते क्या हैं, वट आर पार्टिसिपेटरी नोट्स, शॉर्ट में जिनको P Notes कहते हैं। तो देखिए, P Notes का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई रजिस्टर्ड फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन एन ओवरसीज इन्वेस्टर हु विशेज टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल विद द मार्केट रेगुलेटर SEBI। अभी एग्जैक्टली क्या है इसको फिगर की मदद से समझते हैं। देखिए, ये हमारा देश है इंडिया, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, कई सारे स्टॉक मार्केट है, मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पे कई सारे कंपनियों के शेयर्स बिकते हैं, इंडियन कंपनियों के शेयर्स बिकते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, मान लीजिए, और इसको इंडिया की किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसको क्या करना है कि इसको किसी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जाना होगा, जो रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उस SEBI के साथ जो रजिस्टर्ड FII है, मान लीजिए HSBC इज एन एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर्ड FII, तो ये इंसान डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये फॉरेनर है। हम आप खरीद सकते हैं, हम इंडियंस हैं, इस देश के रेजिडेंट हैं, लेकिन ये इंसान नहीं खरीद सकता, ये फॉरेनर है, मान लो अमेरिका में रहता है, तो ये HSBC के पास जाएगा, हु इज अ
रजिस्टर्ड FII, और ये रजिस्टर्ड इस HSBC को मान लो $1,000 देगा कि भैया $1,000 मुझे लगाने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो ये HSBC उस पैसे के बदले रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीद लेगी, $1,000 के शेयर्स खरीद लेगी, लेकिन ये शेयर्स डायरेक्टली इसको पास नहीं करेगी, ये इस $1,000 के शेयर के बदले इस इंसान को पार्टिसिपेटरी नोट छाप के देगी, मतलब शेयर HSBC के पास, $1,000 के शेयर HSBC के पास, उस $1,000 के शेयर के इक्विवेलेंट वैल्यू का पार्टिसिपेटरी नोट ये HSBC छाप करके देगा इस इंसान को। तो इनडायरेक्टली इसके पास, समझो इसने इनडायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्री में $1,000 इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी इसके हाथ में डायरेक्टली ये शेयर्स नहीं आए, शेयर्स तो अभी भी इस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही आए हैं। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो इन्वेस्टर है, जिसने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में पैसा लगाया है, इसकी आइडेंटिटी सेबी को कभी पता नहीं चलती है, कभी नहीं पता चलती कि आखिर इस FII में पैसा कहाँ से आया है, और इसका मिसयूज किया जाता है, कई दफ़ा इसका मिसयूज करके ब्लैक मनी भेजा जाता है, राउंड ट्रिपिंग की जाती है। समझिए ब्लैक मनी क्या होता है, कोई भी ऐसा धन जिसमें आपने टैक्स ना भरा हो या फिर इलीगल तरीके से जनरेट किया हो, और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं लोग, ब्लैक की मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे लॉन्ड्री में गंदे कपड़े धुल के सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही पार्टिसिपेटरी नोट्स की मदद से कई दफ़ा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी को धो करके लॉन्ड्री करके सफ़ेद कर दिया जाता है, वाइट मनी कर दिया जाता है। समझिए कैसे, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कैसे पी नोट्स का इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मान लीजिए कि इंसान है, पॉलिटिशियन है, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, माफिया है, तमाम करप्ट काम करता है ये, मान लीजिए साधु यादव नाम है इसका, और इसने कई सारा बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट कर रखा है, काला धन। अब ये क्या कर सकता है कि किसी हवाला ऑपरेटर के थ्रू ये पैसा विदेश में कहीं भिजवा सकता है, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास, कि भैया ये हमारा 10 करोड़ रुपया इस इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास अमेरिका में डॉलर के फॉर्मेट में जमा करवा दो। हवाला वाले सब करवा देते हैं, तो 10 करोड़ रुपया डॉलर के फॉर्मेट में इस इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास पहुँच गया। अब साथ ही साथ इस इन्वेस्टमेंट बैंकर को ये भी कह दिया गया कि ये पैसा तुम किसी FII में इन्वेस्ट करो, तो ये पैसा ये 10 करोड़ रुपया डॉलर में इन्वेस्ट कन्वर्ट होने के बाद ये डॉलर का रुपया, डॉलर का जो अमाउंट है वो किसी FII में इसने जमा कराया, और उसके बदले में ये पी नोट खरीदेगा, और इस FII को बोला जाएगा कि तुम साधु इंडस्ट्रीज में, साधु यादव इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करो, उसके शेयर्स खरीदो। तो मुद्दा ये है कि ये साधु यादव है, इंडिया में रहता है, करप्ट आदमी है, इसकी अपनी कंपनी भी है साधु यादव इंडस्ट्री, और इसको अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराना है, लेकिन इसका जो पैसा है वो ब्लैक मनी है, अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा तो सरकार को पता चल जाएगा, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, सरकार ये भी पूछे कि इतना पैसा तुम लाए कहां से, क्या गलत काम किया तुमने। तो ये सबसे बचने के लिए इस पैसे को विदेश भिजवाएगा, विदेश से फिर वापस से इस FII के थ्रू ये पैसे को अपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करा देगा। इसमें फायदा क्या हुआ कि ये पैसा किसने इन्वेस्ट किया है पीछे से इस FII में, ये तो सेबी को पता नहीं चला, साधु यादव का पैसा है, किस इन्वेस्टमेंट बैंकर का पैसा है, इसको FII में कहां से ये पैसा, ये सेबी को पता नहीं चला, तो इस कारण से इस आदमी की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं, और इसका पैसा घूम करके वापस से आकर के इसी के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो गया, और इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन धुल करके सफ़ेद हो जाना, या राउंड ट्रिपिंग, काला धन गोल घूम करके राउंड ट्रिप मार करके वापस देश में आ जाना और ब्लैक मनी का वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाना। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग UPSC टुडे विल टॉक कवर टॉपिक नंबर 76-80। टॉपिक नंबर 76 इज अबाउट अटल पेंशन योजना। इट इनकरेजेज वर्कर्स इन अनऑर्गनाइज सेक्टर टू वॉलंटरली सेव फॉर देयर रिटायरमेंट। द गवर्नमेंट हैड लॉन्च दिस स्कीम फ्रॉम 1 June 2015। द स्कीम रिप्लेसेस स्वलंबन योजना और NPS लाइट स्कीम। अंडर दिस स्कीम द फिक्स्ड पेंशन टू द सब्सक्राइबर रेंजिंग फ्रॉम ₹1,000 to ₹5,000 इज गिवन इफ ही ऑर शी कॉन्ट्रीब्यूट बिटवीन द एज ऑफ 18 years to 40 years। पेंशन इज पेएबल टू द स्पाउस आफ्टर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना इज एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट। अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल और कैन बी ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स एंड हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी अदर स्टैच्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 76। टॉपिक नंबर 77 इज अबाउट पनामा डिजीज। इट इज ऑल्सो नोन एज बनाना विल्ट एंड इट इज अ डिवास्टेटिंग डिजीज ऑफ बनानास कॉज्ड बाय सॉइल इनहेबिटिंग फंगस स्पीसीज नोन एज फुसारियम ऑक्सी स्पोरम।
प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 77. टॉपिक नंबर 78 इज अबाउट ओरोमो कम्युनिटी. ओरोमो कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन इथोपिया. इथोपिया यहाँ पे देखिए एक अफ्रीकन कंट्री, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, ये लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ की कम्युनिटी है, लार्जेस्ट कम्युनिटी है ओरोमो. ओरोमो स्पीक ओरोमो लैंग्वेज एज देयर मदर टंग. ये न्यूज में क्यों थे ओरोमो कम्युनिटी, क्योंकि इनका एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है हचालू हुंडेसा. इस पॉपुलर सिंगर और म्यूजिशियन का एसेसिनेशन, मतलब इसके मर्डर कर दिया गया था हाल फिलहाल में. इसके कारण बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत वायलेंस भी हुआ था इस एरिया में. इस कारण से ये ओरोमो कम्युनिटी न्यूज़ में था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 78. टॉपिक नंबर 79 इज अबाउट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा. सो भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क इज इन गोवा. अदर इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इन गोवा आर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज ऑल्सो नेशनल पार्क विच इज़ इन अंडमान आइलैंड्स. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 79. टॉपिक नंबर 80 इज अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड. दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड. इन्वेस्टर्स हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी. द बॉन्ड इज इशूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया डिफाइंड अंडर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. एलिजिबल इन्वेस्टर्स इंक्लूड individuals, Hindu undivided families, trust, universities, charitable institutions, etc. Please attempt this question based on topic number 80. This is the answer of question number 71 to 75 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. Kal jo humne practice question diya tha uska answer dekh lete. The ongoing census of 2021 will be 16th census. Ingenuity is the name of rover mission. This is wrong. Name of the rover mission was Perseverance and Ingenuity is the name of helicopter hinged to it. And Ingenuity is the first power flight on the surface of any planet. Again, this is wrong. This is slightly technical. क्योंकि it was not first power flight on surface of any planet. क्योंकि Earth पे तो कई सारे इस तरह के helicopter already चलते रहते हैं. So the correct answer will be option D. Option D will be the correct answer. Third question was regarding bats. They are completely blind. This is wrong. Second, the maximum number of species found in Assam. The maximum number of species of bats are found in Meghalaya. So the second statement is also wrong. They rely on echolocation for hunting. This is correct. But question asks which of the following statements are not true. So the correct answer will be option B, 1 and 2. 1 and 2 are not true. That's all from our side for today. Thanks for watching.